जय श्री महाकाल दोस्तों, मैं आपका अपना भाई सूर्य आपके अपने यूट्यूब चैनल बेस्ट इंडियन एडवेंचर और सूर्य 2.0 पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। भाई सूर्य 2.0 का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लीज आकर के फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उससे पहले बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को मेरा प्यार। जो मेरे हम उम्र साथी हैं, जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, अपने फ्यूचर को ब्राइट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो हमारे महादेव जी से हम प्रार्थना करेंगे कि वो जो कोशिश में लगे हुए हैं वो उनकी कोशिशें कामयाब हो और ऐसे ही वो हमें आगे तक सपोर्ट करते रहे, हमारी मेहनत को ऐसे ही सराहते रहे, ताकि हम एक से एक हॉन्टेड लोकेशन को विजिट करने में थोड़ा सा भी हिचक या झिझक ना हो। कैमरे में मेरे भाई आनंद है, जो बखूबी हर एक तरह से मेरी पॉजिटिव स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। भाई लोकेशन आप लोगों ने देख ली होगी और रात का जो वक्त हो रहा है, एक बार आनंद भाई आप इन सारी चीजों से आइडिया लगा लो। बिल्कुल सूर्य भाई, यार जो भाई यहाँ पे इतना सारा मतलब इतना बुरा और दर्दनाक हादसा हो रखा है, जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ आप सभी के साथ में, वो शेयर करना चाहता हूँ आप सभी के साथ में कि भाई ये इतना दर्दनाक हुआ क्या था यहाँ पे। भाई दो बुजुर्ग लोग जिनकी उम्र 55 से 60 साल की थी, उन्होंने 17 से 18 साल की एक लड़की जो गांव में ही सिलाई का काम किया करती थी, उसके ऊपर उनकी जो है नजरें खराब हुई और उसके बाद में उस लड़की के साथ में उन्होंने गलत किया। आवाज हुई यार सूर्य भाई, लगा ना चल के गया कोई। हाँ यार उन लोगों ने उस लड़की के साथ में गलत किया और उसके बाद में भाई इस जगह पे ला करके ये जो ढांचा आप देख रहे हो ना अभी बना हुआ, ये यहाँ पे नहीं था उस वक्त, सिर्फ और सिर्फ खेत थे। उस लड़की को यहाँ ला करके उन्होंने गाड़ दिया ताकि उनका जो सच है या उनकी जो दरिंदगी है वो किसी के सामने ना आए, लेकिन सच और ऐसी बातें छुपाए नहीं छुपती है, लोगों के सामने आकर ही रहती है। उसके बाद भाई उन्होंने इस जमीन को बेच दिया किसी को। उसके बाद जिस पर्सन ने ये जमीन खरीदी थी उसने यहाँ पे जैसे नींव का पत्थर रखा, तब भी बहुत ज्यादा मुसीबतें आई थी, लेकिन उसके बावजूद भी उस इंसान ने, क्योंकि वो इंसान था नास्तिक, उसे विश्वास नहीं था ना बिलीव करता था वो इन सारी चीजों पे। कई लोग होते हैं भाई ऐसे, और हम उनको गलत नहीं बोलते हैं, जिनके साथ बीतती है वही समझ सकते हैं और जिनके साथ नहीं बीतता है, नहीं होता है ऐसा कोई इंसिडेंट, तो वो नहीं मानते। तो जो मानते हैं उनका शुक्रिया और जो नहीं मानते उनको भी दिल से भगवान ना करे कभी ऐसी मुसीबत का सामना करना पड़े। ये ढांचा बन के तैयार होता है, उसके बाद फिर ढह जाता है, फिर बन के तैयार होता है, फिर ढह जाता है। मजदूरों ने और यहाँ के कॉन्ट्रेक्टर ने पूरी कोशिश कर ली, लेकिन किसी भी तरह से कोई समाधान नहीं निकला। लेकिन लास्ट में जब बात उजागर होती है ना, जब भाई पूछ करी जाती है किसी जगह की कि यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है, तब बात पता चली कि भाई यहाँ पे किसी लड़की की बेदर्द तरीके से मौत हो रखी है और उसे दफनाया गया है यहाँ पे। तो जब तक वो लड़की नहीं चाहेगी तब तक इस जमीन पे कोई भी शुभ कार्य नहीं हो सकता है। ये बन रहा था भाई एक क्या बोल सकते हैं आनंद, इसको फार्म हाउस जैसा होता ना भाई, फार्म हाउस ही है यार, खेती भी हो जाए और उसके बाद साथ में जानवर भी पाले जा सके। पर ये इस इंसिडेंट की वजह से कुछ भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। तो भाई हमारा बस यही रहेगा कि हम पूरी तरह से बस इस लोकेशन को एक्सप्लोर कर ले, हमारे साथ में कोई हादसा ना हो। अगर कोई भी हादसा होता है तो उसके जिम्मेदार हम रहेंगे, ये ऑन कैमरा हम दोनों भाई बोल रहे हैं, क्योंकि हम हमारे रिस्क पे किसी भी लोकेशन पे जाते हैं। तो हम एक ही उम्मीद रखते हैं आप सभी से कि प्लीज इस वीडियो को बिना स्किप किए, या कोई सी भी हमारी वीडियो होती है ना भाई, वो वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए, हमारे लिए हमारी जान तक जोखिम में डाल देते हम सिर्फ एक वीडियो के लिए। तो हम चाहते हैं कि हमारी मेहनत को आप ऐसे सराहते रहो और वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक वॉच करना, और जो चैनल पर नए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप लोगों का प्यार और एक सब्सक्राइब वो मोटिवेशन की तरह हमें आगे बढ़ाता रहे। आनंद भाई एक्सप्लोर करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हम अभी तक दायरे के अंदर तो नहीं गए हैं, लेकिन अब बढ़ेंगे धीरे धीरे और एक्सप्लोर करते हैं पूरी तरह से लोकेशन को, क्या है क्या नहीं है। हाँ यार ठीक है ना, ध्यान रखना ना। हाँ भाई ये ढांचे ना बन बन के गिर जाते हैं, ये इधर भी देख लो एक बार, ये भी गिरा हुआ है यार सूर्य भाई पूरा यार।
एक बार नहीं, दो से तीन बार ऐसा इंसिडेंट हो चुका है। उसके बाद में यहाँ के मालिक ने जो है, जिसने जमीन खरीदी थी, उसने पूछ कराई और उसके बाद में जो रिजल्ट सामने आए उसी के बेस पे हम इस लोकेशन को विजिट कर रहे हैं। लोकेशन काफी ज्यादा डेंजरस है और जो हादसा था वो भी काफी ज्यादा खतरनाक है जो यहाँ पे हुआ था, क्योंकि एक नाबालिग के साथ में दुष्कर्म और करने वाले जो दो लोग थे वो भी उसके पिता तुल्य या उसके ऐसी उम्र में थे कि भाई कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता इन सारी चीजों को। लेकिन फिर भी भाई जब होता है ना इंसिडेंट, तब भाई इंसान की ना तो हैवानियत होती है ना, वो उम्र नहीं देखती है। और इस हैवानियत को खत्म करने का जिम्मा कहीं ना कहीं हम में से ही एक दूसरे को उठाना होगा, क्योंकि एक पर्सन कोशिश करेगा ना उसके साथ में दो लोग जरूर से आएंगे, भले नाकामयाबी मिले लेकिन एक दिन ऐसा हो सकता है कि ये सब कुछ बंद हो जाएगा। तो कुछ वो झूले हिले हैं भाई, वो जो वो तो लगे हुए ना वो हिले भाई, वो हिले भाई। उधर चले गए, इधर से सामने चलते हैं सूर्य भैया। ये सारी चीजें हो रही है, हम फिर से हिलाया फिर से ऐसे जोर से मूवमेंट हुआ उसमें। यार सूर्य भाई क्या हो रहा है यार, ध्यान रखना। सही हो सकता है कि जहां हम चल रहे हैं उसी जगह उसको दफन किया गया हो, या हो सकता है कहीं और, लेकिन उसको दफन किया गया है उस जगह पता करें लोगों के लिए। हर एक चीज को बारीकी से नोटिस करने का कॉल करना है ध्यान से। हेलो सूर्य भाई, भाई यार बाहर सही है भाई, बाहर सही है, इधर सही यार ध्यान से रहना और हर एक चीज को बारीकी से समझने की कोशिश करना, क्योंकि यहाँ पे हादसे ना बद से बदतर हो सकते हैं और हमारी जान को जोखिम पड़ सकता है। क्योंकि जिस इंसान ने यहाँ पे दो से तीन बार इसको बनवाने की कोशिश कर ली फिर ढह जाता, फिर कोशिश करेंगे। दसरा वैसे यार ये इंसिडेंट ज्यादा पुराना नहीं है भाई, ये मुश्किल से 3 साल पुराना इंसिडेंट है। यहाँ पे जो हादसा घटा था वो सिर्फ और सिर्फ 3 साल हो गए होंगे उससे। आनंद लाइटिंग प्रॉपर रखना भाई। हाँ भाई जो कुछ भी हो रहा है भाई हम पूरी तरह से इस सूर्य भाई ओए पीछे कोई है यार। हाँ ऐसे लग रहा है मुझे भी कोई साथ साथ चल रहा है जैसे यार। हाँ यार और एकदम से वाइब्रेशन जैसा फील होता है भाई। आप इस जगह की हालत को देख पा रहे होंगे, ये कंप्लीट हो ही नहीं पा रहा है, मतलब आवाज हो रही है। ओए वो देख, ओए सूर्य भाई, ओए वो देख भाई साहब, ओए यार सूर्य भाई यार भाई सामने खड़ी है। भागने से काम नहीं चलेगा, भागेंगे नहीं, भागेंगे नहीं, भागेंगे तो और ज्यादा हावी होगी हमारे ऊपर। सूर्य भाई यार सब कैप्चर हुई है कैमरे में। अजीब लग रहा है यार, पत्थर आ रहे हैं यार सूर्य ध्यान रख यार, तेरे पे कोई नुकसान, तुझे कोई नुकसान ना हो बस इतना ध्यान रखना भाई। यार पत्थर आ रहे हैं सूर्य भाई यार, आ जाओ बहुत ज्यादा हो रहा है, निकलना चाहिए जरूरी नहीं है। ओए पीछे देख, पीछे वो देख, वो देख सूर्य भाई इधर पीछे है यार। यार सूर्य भाई
भाई यार सुनिए भाई यार, देखिए हम जो है यहाँ पे आप सुनिए भाई यार, आवाज आ रही है सूर्य भाई, सूर्य भाई लकड़ी आई यार, ओए इधर से लकड़ी आई है इधर से, वही वही घड़ी है अभी भी, सूर्य भाई यार, सूर्य भाई ओए उधर से आवाज आ रही है, ओए सूर्य भाई यार, ओए पत्थर आ रहे सूर्य भाई देख, ओए ओ भाई साहब सूर्य भाई यार, ओए पीछे से आ रहा है सब कुछ देख भाई, पीछे से आ रहा है, ओए ओए इधर से आ रहा है ये, ओए तेरे पीछे से आ रहा है भाई यार, भाई यार सब कुछ तेरे पीछे से हो रहा है, पीछे कोई नहीं है सूर्य भाई यार, वो देख वही खड़ी है, वो हिल ही नहीं रही है भाई, भाई वो हिल नहीं रही है, इसका मतलब हम सब कुछ अब इस लोकेशन पे निकल, इधर से निकल यार सूर्य भाई, ओए भाई साहब सूर्य भाई, सूर्य भाई यार भाई पीछे टुकड़ा हुए यार, ओए ओए यार तेरे पीछे से हो रही है, एक कैमरा ऑन कर फटाफट, कोई भी नहीं है यार, देखिए हम किसी भी तरह से आपको नुकसान पहुंचाने या आपको बुरा लगे ऐसी कोई हरकत हम नहीं करेंगे यहाँ पे, ओ भाई साहब सूर्य भाई आनंद से इधर से आया पत्थर आया, ओए इधर जा सकते ना उधर जा सकते, क्या करें क्या, इधर चल सूर्य भाई, ओए देख तेरे पीछे से हो रहा है ये सब कुछ, तेरे पीछे से हो रहा है भाई, सूर्य भाई मेरे पीछे नहीं है कोई भी यार, पत्थर आ रहा है मगर तेरे पीछे से हो रहा है यार, यार सूर्य भाई यार भाई मैं बिल्कुल समझ नहीं पा रहा हूँ ये हो क्या रहा है हमारे साथ में, जबकि हम दोनों पर्सन है और कैमरा पूरी तरह से आनंद चाहे जैसे घुमा रहा है लेकिन हमारे आसपास से सब कुछ हो रहा है, मेरे पास सुन वो देख ओए नहीं हिल रही आनंद, हिल रही है सूर्य भाई आवाज आ रही है साफ यार, ये गिर सकता है आनंद कभी भी, हाँ यार वैसे ये गिरा हुआ है ना वैसे पूरा गिर सकता है, ओए देख मैं बोल रहा हूँ पीछे से हो रही है सब कुछ आनंद, भाई कोई नहीं है पीछे ये देख यार, मेरी आवाज सुन निकल इधर से, अरे इधर सूर्य भाई सही बोल रहा हूँ निकल ले यार, ओए वो देख भाई आवाज भी आ रही है इधर से भाई यार, वो देख वो खड़ी है भाई सूर्य भाई यार, भाई मूवमेंट हो रहा है भाई आगे आ रही हो, वो देख आगे आ रही है सूर्य भाई, सही बता रहा हूँ आगे आ रही है, देख लो आगे आ रही है सूर्य भाई, ये भाई यार कोई लग रहा है यार, कोई है यार पीछे यार, कोई है यार, आप आ जाओ निकलते हैं यहाँ से, आ जाओ लग रहा है यार सूर्य भाई कोई है यार, देख कोई है यार सूर्य भाई, ओए देख यार सूर्य भाई आराम से भाई यार, इधर से निकलना पड़ेगा और इधर से निकलने पे बाहर ही भाई बिल्कुल भी ना अंदाजा नहीं लगा पा रहे कि हो क्या रहा है हमारे साथ में, ये जो चीजें हो रही है ना ये बहुत ज्यादा खतरनाक है और बहुत ज्यादा गलत है, देख भाई
सूर्य भाई यार, सूर्य भाई यार देखिए, हम माफी चाहते हैं कि हम इस जगह पे आए, लेकिन हम जो है किसी भी तरह से इस जगह को ना तो नुकसान पहुंचाने का इरादा रखते हैं, ना ही ऐसा कोई गलत मकसद हमारा यहाँ है आने का, ना ही आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचे ऐसा कुछ हम चाहते हैं भाई। भाई हिल रहे हैं यार सूर्य भाई, यार सूर्य भाई यार क्या हो रहा है यार, समझ में नहीं आ रहा यार। सूर्य भाई चल चल चल, से बोल रहा हूँ चल निकलते हैं यहाँ से यार। ओ यार सूर्य भाई, मतलब यार ये तो सूर्य भाई निकल यार, अरे ध्यान से आना सूर्य भाई यार। भाई इस जगह पे वो खड़ी थी, और इससे ज्यादा तो हम बात कर ही नहीं सकते इसके बारे में, क्योंकि कब कुछ हो जाए हमारे साथ में, कोई 1% भी हम जज नहीं कर सकते इस जगह को किसी भी तरह से, क्योंकि हम एक बार आउट उधर खड़ा है नहीं है, नहीं है सूर्य भाई। जहाँ खड़ी थी वो वहां से यहाँ देख सूर्य भाई, वो देख वो आ गया यार सूर्य भाई यार। भाई जो कुछ भी हो रहा है वो क्लियर रिकॉर्ड हो रहा है कैमरा में, देख सूर्य भाई यार। अरे कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, और अब तो मेरे को बिल्कुल भी ऐसा लग रहा है कि हम स्टक हो चुके हैं यहाँ से, जहां से भी हम निकलने की कोशिश कर रहे हैं ना, या तो पीछे से आ जा रही है या फिर सामने खड़ी हो जा रही है हमारे आकर के। पत्थर भी आ रहे हैं यार, पहले लकड़ी भी आई थी, ये लकड़ी बार बार आ रही है, और इसके अलावा ये जो ईटे है ना इनमें मूवमेंट हो रहा है, और ऐसा लग रहा है कि हमारे पीछे से कोई पत्थर मारने की कोशिश कर रहा है। सूर्य भाई गायब हो गए यार, देख यार सूर्य भाई आवाज आ रही है ऊपर से भी भाई। हम इसी भी तरह से देखिए, हम माफी चाहते हैं कि हम इस जगह पे आए, और ये आपके साथ में जो हादसा हुआ था ये बहुत ज्यादा दर्दनाक था, इस हादसे को आप सहन नहीं कर पाए, और उसके बाद जो उन लोगों ने, उन दरिंदों ने आपके साथ में किया वो बेहद गलत था। ऐसी शर्मनाक हरकत अगर कोई करता है तो मैं कहता हूं कि अगर मैं उस जगह खड़ा हूं तो मैं उन भाई यार आवाज आ रही है सूर्य भाई, आवाज कंटिन्यूस आ रही है, ये जो है ना भाई अचानक से कोई ऐसा लग रहा है हमारे पीछे से मारने की कोशिश कर रहा है, ये इधर से उधर टकरा रही है कभी, ये हो रहा है देख पत्थर आया उधर से कुछ भी कहो, यहाँ पे जो इंसिडेंट हो रहा है ना उस इंसिडेंट को हम कुछ भी नहीं कह सकते। भाई जो कुछ भी यहाँ पे हो रहा है ना हमारे साथ में ये बहुत ज्यादा गलत है, इसको समझने की कोशिश करना, क्योंकि हम ना अगर फंसे कहीं दिक्कत बहुत बड़ी हो जाएगी। आनंद आनंद भाई सूर्य भाई यहाँ थी, यहाँ पड़ी थी, ओ भाई ओए लोटा निकला, यहाँ पड़ी थी यार सूर्य भाई, मतलब यार सूर्य भाई यार कोई ना कोई तो और कुछ राज है यार, यहाँ से खेल के वहां तक कैसे चली गई और पता तक नहीं चला, यहाँ पे उसकी जगह लोटा और मटकी वहां यार। देखिए आपके साथ में गलत हुआ है, और हम गुजारिश करते हैं कि हम जो है यहाँ किसी भी गलत इरादे से नहीं आए, लेकिन जिन्होंने आपके साथ में गलत किया है आप सूर्य भाई क्या हो रहा है यार, समझ में नहीं आ रहा सूर्य भाई यार आज।
हाँ यार समझ नहीं पा रहे भाई, आवाज हो रही है भाई, रिकॉर्ड हो रहा है। वो सूर्य वो देख, अरे इधर मूवमेंट हो रहा है, रोशनी नहीं होगी तब तक मैं कुछ देख नहीं पाऊंगा। रुक जा रुक जा, वो देख देखिए मेरी बहन, हम किसी भी गलत इरादे से नहीं आए, हम माफी चाहते हैं, अगर हमने कुछ गलत किया तो हम माफी चाहते हैं इस जगह पे आने के लिए। मैं बार बार अपनी बातों को दोहरा रहा हूँ कि हमारे इरादे गलत नहीं है, ना आपको लेकर के ना ही जिस जगह को लेकर के। आपके साथ में हादसा हुआ था, आपको यहाँ कहीं दफन किया गया है, क्या हम वो जगह जान सकते हैं? गर्दन भाई भाई गुस्से में है यार सूर्य भाई, फिर तेरे पीछे से हुआ कर गया अपना। अच्छा नहीं है यार सूर्य भाई, दीवार है पीछे, बाहर तो नहीं कोई, बाहर कौन होगा यार सूर्य भाई बाहर तो। मुझे चल चलो चल चल, वही नहीं है दीवार के पास में खड़ा हूँ बिल्कुल यार सूर्य भाई, देख सूर्य भाई निकल लो तू से बता रहा हूँ, सूर्य भाई निकल ले यार सही बता रहा हूँ, देख माँ सूर्य भाई यार छीक आ रही है तेरे को, छीक आना सही नहीं है यार, वो देख भाई सूर्य भाई निकल ले, देखो भाग के जाएंगे ना तो हो सकता है हमारे पीछे पड़ जाएगी स्पिरिट, ठीक है तक पीछा नहीं छोड़े सूर्य भाई, ठीक भी आने लग गए लास्ट टाइम। देखिए हम यहाँ से जाना चाहते हैं, हम गुजारिश करेंगे कि प्लीज आप हमारे पीछे ना आइएगा, आपके साथ जो कुछ भी हुआ है वो बहुत ज्यादा दर्दनाक हादसा था, हम मानते हैं, और इस चीज का दर्द हम खुद से महसूस कर पाते हैं जब हमने ये सुना ना तब से। कैंसिल वही घड़ी है सूर्य भाई,